एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं और उनके बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। तो प्लीज वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। हम लोग वैष्णो देवी गए थे अभी फेस्टिवल से पहले, मतलब दिवाली से पहले हम लोग वैष्णो देवी गए थे, और हमारे साथ क्या क्या घटना हुई वो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मेरे भी, मेरी देवरानी के भी, नंद के भी, छोटे छोटे से हमारी फैमिली में बच्चे हैं। तो हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, तो प्लीज विस्तार से पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। जो भी कुछ हुआ ना हमारे साथ, वो हम मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, ये छोटे छोटे बच्चे ही आप लोगों को बताएंगे कि इनके साथ हुआ क्या। तो पहले मैं आपको बताती हूँ गाइस, देखिए हम लोग गए थे वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी मैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली और मेरी सिस्टर इन लोग वगैरह, हम लोग सब गए थे। जाने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से, जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, और हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से चढ़ाई वगैरह की। मम्मी पापा की गाड़ी बुक कर दी थी, आधे रास्ते से घोड़े तक गए, और आधे रास्ते से जो बैटरी वाली गाड़ियां होती है वहां से गए। हम लोगों ने माता के दर्शन किए, उसके बाद भैरव बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद गाड़ी वहां से भी बुक थी, लेकिन प्लान हुआ चेंज हुआ। सब लोग बैठे, और बैठने के बाद पापा जी ने कहा कि सब लोग पैदल ही उतराई करेंगे, कोई भी गाड़ी से या फिर घोड़े से नहीं जाएगा। लेकिन गाइस हुआ क्या, अब ये बच्चे अपने आप बताएंगे। चलो आगे का अब आप बताओ। मैं बताऊंगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिशा, और जय माता दी। तो हमारे साथ वैष्णो देवी में क्या हुआ, मैं, श्यामा और पीहू जो बुआ जी की बेटी है, इनकी बुआ की बेटी है ना। तो हमने बड़ापा का प्लान बना कि हम सब पैदल ही उतराई करेंगे। फिर उसके बाद बड़ापा ने बोला कि नहीं, बड़ापा घोड़े से गए। फिर उसके बाद हम तीनों, मतलब बड़े पापा थोड़ी दूर चले, तो बड़े पापा ने बोला कि मुझसे नहीं चला जाएगा, तो मैं तो अपने लिए घोड़ा कर लेता। तो बड़े पापा का घोड़ा कर दिया, और हम लोग सब पीछे ही थे। उसके बाद मैं बताएंगे गाइज, हम लोग बड़े पापा के घोड़े के साथ 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 चलते गए, आधे रास्ते तक हम चलते गए। ये तीनों छोटे छोटे, कनक, श्यामा और पीहू, तीनों छोटे छोटे बच्चे हमारे, इन्हें लगा था कि ये घोड़े का पीछा कर लेंगे। हाँ, ये कर लेंगे, और ये चले भी आधे रास्ते तक चले भी। फिर उस आधा एक किलोमीटर बचा था। हाँ, तो उस इतने में कनक, ये जो मैडम बैठी है, ये इसको आ गई पोटी। तो मतलब घोड़े के पीछे भागते भागते इसके प्रेशर बढ़ गया, इसको आ गई पोटी गाइस। अब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वॉशरूम ढूंढ रहे हैं चारों ओर। लेकिन गाइस बड़ापा को इसके बारे में पता नहीं था, लोग इनके बड़ापा के पीछे आ रहे हैं। बड़े पापा को कुछ आइडिया नहीं था कि ये मेरे पीछा कर रहे हैं। तो गाइस उसके बाद थोड़ा सा दूर चल के मेरे को वॉशरूम दिख गया, तो मैं वॉशरूम गई। इतने में बड़े पापा का घोड़ा आगे निकल गया। इतने में बड़े पापा इनसे बहुत दूर आगे निकल चुके थे, बहुत दूर। इतने हम भागते गए। तो फिर उसके बाद हमें एक दीदी गए, मतलब बड़े पापा, इनको बड़े पापा तो मिले नहीं, ये इन लोगों ने फिर आगे बहुत दूर चले। ये भी हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद हमें मिली एक दीदी। तो फिर उसके बाद हमने उनसे फोन मांगा, तो उन्होंने, हमने ऐसे बोला कि ये नंबर है, ये मिला दो। फिर उसके बाद हमने फूफा जी का फोन नंबर मिलाया वहाँ पर। गाइस पापा का, किसामा के पापा का और जो फूफा जी हैं उनका नंबर चल रहा था, बाकी सबका नंबर बंद हो जाता, आपको पता है वैष्णो देवी जाते हैं। तो इनको, मतलब श्यामा को अपने पापा का नंबर याद था, और पीहू जो बुआ की बेटी है उनको अपने पापा का नंबर याद था। तो प्रियल ने, पीहू ने दीदी से बोला, जो दीदी चढ़ाई कर रही थी उनसे बोला कि दीदी आपके पास फोन है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास फोन है। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप प्लीज हमारे पेरेंट्स को फोन मिला दीजिए। और मतलब कनक का आइडिया था, कनक ने बोला था ना, कैसे बोला था कनक आप बताओ। दीदी आपके पास फोन है तो ये वाला नंबर मिला दो, हमें अपने मम्मी पापा से बात करनी है। और फिर उसके बाद उन्होंने मिला के दे दिया। फिर करी पीहू ने बात, है ना। तो फिर फूफा जी ने बोला कि आप तुम तीनों कहो। तो पीहू ने बोला कि हमें क्या पता। पीहू ने बोला हमें क्या पता हम कहाँ है। और फिर फूफा जी ने बोला कि जिनसे आप जिनका आप फोन यूज कर रहे हो
फोन लिया है उनसे बात करो। तो फूफा जी ने उनसे बात करी तो कह रहे थे कि उनको इधर ही बिठाए रखो, मैं आ रहा हूँ इनको लेने। मतलब उनसे बोला बहुत ऊपर से नीचे आए भाग भाग। दीदी से बोला कि मतलब लोकेशन सेंड कर दो, हम ये कहाँ पर है। तो ये लोग अर्धकुंवारी से 1.5 किलोमीटर ऊपर थे। और फिर तो उन्होंने दीदी ने बोला कि ठीक है मैं इनको यहाँ पर बिठा कर रखती हूँ। तो ये बच्चे आराम से वहां पर बैठे हुए थे और फूफा जी, बच्चों के फूफा जी और त्रिषभ वो फटाफट भाग कर आए। हम लोग तो मतलब आराम से आ रहे थे लेकिन वो भाग कर आए और फाइनली ये बच्चे उनको मिल गए। तो गाइस हाँ। और फिर उसके बाद पीयू के पास 25 रुपीज थे तो उसने हम तीनों को ही प्यास लग रही थी तो उसने पानी की बॉटल खरीद ली थी। और वो 20 रुपीज कौन से थे गाइस, हम लोग उस दिन ना होली अष्टमी थी तो जो कथा वगैरह पढ़ते हैं हम लोग तो सारे ही बच्चों को पैसे दिए। हम लोग जो मतलब हाथ में जो पैसे लेकर कथा पढ़ते हैं तो जो मम्मी ने ना पीहू को दे दिए थे, मैंने कनक को दिए, मतलब सबने ऐसे दे दिए थे। तो मम्मी ने पीहू को दे दिए थे। पीहू के पास बेचारी के पास छोटा सा पर्स था, उसका एक छोटा सा ग्लास था और उसमें वो कुछ पैसे थे 25 रुपीज। तो इन लोगों को बच्चों को भागते भागते प्यास लग रही थी तो बच्चों ने उसी से एक वाटर बोतल ली और पानी पिया। और गाइस जब ये बच्चे सारे मिले तो पता पीहू क्या बोलती है, फाइनली माँ के पैसों से ही हम लोगों ने पानी पिया। तो गाइस इस इंसिडेंट से हमें ये सबक मिलता है तो जो भी पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों का वैष्णो देवी जाते हैं तो या तो उनके गले में एक आई कार्ड होना चाहिए, नहीं तो उनके पास एक आपके फोन नंबर की कोई स्लिप होनी चाहिए। फोन नंबर सभी को याद होना चाहिए, जो सभी नंबर चालू है सभी को याद होना चाहिए। वैसे तो कोशिश ये रखिए कि अपने बच्चों को अपने साथ ही रखिए, बट रास्ता इतना बड़ा है और आजकल 3 रास्ते बन चुके हैं चढ़ाई उतराई के वैष्णो देवी धाम पर, तो कभी भी कहीं को भी कोई बच्चा इधर उधर हो सकता है। तो सभी को फोन नंबर याद होना चाहिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए और अगर सबके गले में आई कार्ड या फिर फोन की स्लिप जरूर होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात ये थी हमने इन तीनों के हाथों पे नंबर भी लिख रखे थे, नंबर भी लिखे थे लेकिन वो जब हम लोग चढ़ाई शुरू किया था तब लिखे थे और वो तो मिट गए थे। लेकिन मयंक को अपने पापा का नंबर याद था, मयंक आपको, और पीहू को भी अपने पापा का नंबर याद था, बस दोनों के ही फोन चल रहे थे गाइस। तो हमारा हम लोगों का ऐसा हुआ। और जब ये हमें छोटे छोटे से बच्चे मिले मतलब इतना हुआ, अर्धकुंवारी पे हम लोग सब मिल गए थे अर्धकुंवारी पे। और मैंने पीहू से पूछा, देखिए गाइस ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बड़े ही घबरा जाते हैं क्योंकि रास्ता काफी बड़ा है, कितना लंबा, कितनी लंबी चढ़ाई है, हम लोग ही घबरा जाते हैं, इधर उधर कोई नहीं दिखता तो हम लोग को इतनी घबराहट होती है। तो मैंने सोचा बच्चे छोटे छोटे रो रहे होंगे, बट मैंने तीनों ही थे, मैंने पीहू से पूछा पीहू आपको डर नहीं लगा, आप रो तो नहीं रहे थे। तो पीहू का जवाब पता क्या आता है, क्या फालतू की बातें करती हो मामी, मतलब उसने ऐसे बोला मुझे। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरे, इतना कॉन्फिडेंस था, नहीं पड़ा। इतना और आगे चले जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर और ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए गाइस। बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वहां पर ऐसा तो नहीं कि हाँ सब इधर उधर हो जाते हैं लेकिन गुम कोई भी नहीं होता, मिल जरूर जाते हैं सभी लोग माता के भवन पर। लेकिन गाइस अगर अगली बार नहीं मिलते तो ये तीनों हमें फिट्ठो काम करते हुए दिखते फिर इनको यही बोल रहे हैं कि अगली बार ये बच्चे अगर हमें ना मिलते तो श्यामा तो कहाँ मिलता, श्यामा पिट्ठू वाले के पास, कनक माता रानी बनी हुई तो कनक के साथ, कनक और पीहू माता रानी और श्यामा हनुमान। तो गाइस ये वीडियो मतलब ये मुझे ना आप लोग साथ शेयर करनी थी। तो बस तो गाइस ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था। तो जब भी आप वैष्णो देवी जाए अपनी फैमिली के साथ जाए, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो फोन नंबर की नाम की स्लिप उनके पास जरूर होनी चाहिए। तो चलिए गाइस इस बार हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, माता रानी ने लेकिन हम सबको फिर से मिला दिया। तो गाइस हम लोगों ने बहुत अच्छे से जर्नी एंजॉय करी और बहुत मजे आए, बहुत ही अच्छा हम लोगों का टूर रहा। लेकिन बीच में थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी, वो सब क्लियर हो गई है अभी। तो चलिए गाइस आई होप आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय 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 गाइस, जय माता दी, जय माता दी करो, जय माता दी, जय माता दी।